झारखंड में नगर निकाय चुनाव, घोषणाओं का इंतजार। हेमंत कैबिनेट में नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम फैसला। दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे नगर निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अंतिम समय पर टले बिहार नगर निकाय चुनाव के हाल को देखते हुए झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कराने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने बाद यानी दिसंबर या अगले साल जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। इस महीने के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों का चुनाव होगा। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के वरीय अधिकारियों की माने तो ऐसा होना करीब करीब तय है। पूर्व में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए अन्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा। पंचायत चुनाव में भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही वोट डाले गए थे। नगर निकाय चुनाव में भी इसे ही लागू किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर अंतिम निर्णय होगा। सरकार की सोच है कि बजट सत्र के पूर्व यह चुनाव करा लिया जाए। ऐसे में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। दिसंबर में चुनाव होने पर जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा। लेकिन अगर चुनाव की तिथि आगे बढ़ी तो वर्ष 2022 की नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराना होगा। फिलहाल नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। दिसंबर या जनवरी में चुनाव की संभावना को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव कराने का विरोध किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने साफ बोल दिया है कि इसके खिलाफ आंदोलन होगा। साथ ही मोर्चे के प्रतिनिधि सभी दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर विरोध दर्ज कराएंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने ओबीसी विधायकों से आग्रह किया कि वे सरकार के इस फैसले का विरोध करें। राज्य सरकार को भी ओबीसी समुदाय का विरोधी बनने से बचना चाहिए। इससे पहले पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के कराया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत TV।